वेलकम टू माय अर्जेंट हाउस व्यूअर्स, मैं हूं आर्किटेक्ट शांतनु। आज का हाउस प्लान 23 फीट बाई 23 फीट, टोटल 530 स्क्वायर फीट का हाउस डिजाइन है, 7 मीटर बाई 7 मीटर। सो व्यूअर्स, एट फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे हमारा कॉलम। डिजाइन के हिसाब से मैंने कॉलम लेआउट भी किया हूँ। सो कॉलम का जो साइज है 10 इंच बाई 10 इंच, और टोटल हमें यहाँ पे 10 कॉलम का ज़रूरत होगा। सो इसी तरह हमें कॉलम को यहाँ पे लेआउट करना होगा। अगर कोई सोच रहा है कि 23 फीट बाई 23 फीट में कैसे घर बनाएं, सो यहाँ पे एक अच्छा आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रंट में मैंने स्टेयर प्रोवाइड किया हूँ, बिल्कुल फ्रंट में। अगर रूम रेंट में देना चाहेंगे तो ये काफ़ी अच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट हम वॉल क्रिएट करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल। 5 इंच का थिक है, 125 mm का है। आज का जो हाउस प्लान है, किसी भाई साहब ने, हमारे व्यूअर्स ने कमेंट किए थे कि 23 फीट बाई 23 फीट में उसको एक शॉप चाहिए और बेडरूम, साथ में किचन, डाइनिंग और टॉयलेट। सो उसके लिए ये हाउस प्लान आज बनाया हूँ। फ्रंट में जो बेडरूम दिया गया है, इसको बेडरूम या आप शॉप भी बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, आप लोगों को अगर हम बिल्डिंग प्लान चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और अपना डिटेल्स भी भेज सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक सेकेंडरी गेट रखा हूँ, किचन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे इसको बालकनी के हिसाब से यूज करेंगे या वॉश एरिया, यूटिलिटी एरिया के हिसाब से हम यूज करेंगे इसको। इस 23 फीट बाई 23 फीट 530 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए हमें कितना खर्च चाहिए, सो वह भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो में बने रहिए। और आप लोगों को डिज़ाइन चाहिए होगा तो कमेंट कर सकते हैं, डिटेल के साथ कमेंट करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। मुझे थोड़ा समझ में आना चाहिए कि आप क्या, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। सो ये हमारा प्लिंथ हाइट है, जैसे ही दोनों स्टेप दिया हूँ। प्लिंथ हाइट 1 फीट का है, 2 स्टेप, और उसके दोनों साइड में हमने लैंडस्केप एरिया। सो चारों साइड में हमें इस तरह प्लिंथ हाइट बना लेना है। प्लिंथ हाइट हमारा रोड लेवल से घर कितना ऊंचा में हम बनाएंगे, वही है हमारा प्लिंथ हाइट, जहाँ पे DPC करना होता है, डैम प्रूफ कोर्स। सो देन हम क्रिएट करेंगे हमारा विंडो प्लिंथ हाइट से 7 फीट ऊपर में लिंटेल लेवल, और लिंटेल से 4 फीट 6 इंच नीचे हमारा विंडो का नीचे लेवल, जिसको हम सील लेवल कहते हैं। सो स्टेयर हमने बिल्कुल फ्रंट में दिया गया है, और फ्रंट में हमने इस तरह विंडो प्रोवाइड कर देंगे। अगर इस घर को आप रेंट में देना चाहेंगे तो वो भी यहाँ पे बढ़िया से बन जाएगा, क्योंकि स्टेयर बाहर में रखा गया है और प्राइवेसी के लिए हमने पीछे और एक गेट, मतलब डोर प्रोवाइड किया हूँ। ये हमारा मेन डोर है, मेन डोर। सो इस तरह हमें देखने लगेगा बिल्डिंग को बाहर से। ये जो फ्रंट साइड में बेडरूम दिया गया है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको शॉप बना सकते हैं। यहाँ पे हम शटर प्रोवाइड करेंगे, अगर शॉप की है तो इसको शटर के हिसाब से हमें यूज करना होगा, और बेडरूम करना है तो इसमें विंडो प्रोवाइड करेंगे। इस शॉप को हम अंदर से एक्सेस करेंगे, अगर बाहर से एक्सेस करना है तो एक शटर के लगा देंगे तो शटर से हम इसमें एक्सेस कर पाएंगे। तो ये अंदर वाला डोर है, जो कि प्राइवेसी वाला डोर है। नेक्स्ट, हमने जैसे ही पहुंच गया हूँ डोर के बाद, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे
लिविंग हॉल, हॉल एरिया जिसको हम कहेंगे, जहाँ पे डाइनिंग टेबल और सोफ़ा प्रोवाइड कर सकते हैं, टीवी यूनिट भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे डाइनिंग रूम में, हमने वेंटिलेशन मतलब एक विंडो प्रोवाइड कर देना है, उसके साइड से एक विंडो यहाँ पे विंडो प्रोवाइड कर देना है। ये विंडो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सो अब हम चलेंगे इसका डायमेंशन देखेंगे। लंबाई में 12 फीट 9 इंच और चौड़ाई में 6 फीट 9 इंच। काफ़ी अच्छा हॉल रूम है, काफ़ी बड़ा है। छोटा जगह में हमने आज 2 बेडरूम साथ में लार्ज हॉल एडजस्ट किया हूँ। सो व्यूअर्स, आप चलेंगे हम किचन में, कि किचन का डोर है और साथ में किचन स्लैब। किचन के साथ हमने यूटिलिटी एरिया के जाने के लिए हमने यहाँ पे और एक डोर प्रोवाइड करेंगे और साथ में एक विंडो 3 फीट बाई 3 फीट का, और सेकेंडरी गेट भी हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, जो कि हम सेकेंडरी गेट मतलब एग्जिस्टिंग गेट ये होगा। एक डोर यहाँ पे भी हम बना देंगे इस तरह। सो आप चलेंगे इसका डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन 6 फीट 7 इंच बाई 5 फीट 9 इंच। नेक्स्ट हम चलेंगे, एक ही टॉयलेट दिया गया है और टॉयलेट का डोर एट फर्स्ट हम क्रिएट करते हैं। 2.5 फीट बाई 7 फीट का डोर और बैक साइड में हमने इसका वेंटिलेशन प्रोवाइड कर देंगे 2 फीट बाई 2 फीट या 1.5 फीट बाई 3 फीट। नेक्स्ट हम चलेंगे इसका डायमेंशन देखेंगे। लंबाई में 7 फीट, चौड़ाई में 4 फीट। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा बेडरूम के ओर, फर्स्ट बेडरूम। पहले बेडरूम का जो डोर है 3 फीट 4 इंच बाई 7 फीट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे विंडो प्रोवाइड कर देंगे, 2 विंडो हमने एक पीछे साइड में और एक साइड में 2 विंडो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। आप अगर सिंगल चाहिए होगा तो सिंगल कर सकते हैं, मैंने 2 क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दे के रखा हूँ। नेक्स्ट हम चलेंगे बेडरूम का जो साइज है, ये हमारा 12 फीट 3 इंच बाई 10 फीट 2 इंच, काफ़ी शानदार है। नेक्स्ट हम चलेंगे बेडरूम नंबर 2, या यहाँ पे आप लोग शॉप इसको बना सकते हैं, जिसका डोर हम अंदर से एक्सेस करेंगे। अगर शॉप बना देंगे तो एक ही विंडो में काफ़ी है, या आप शटर डाल देंगे तो वेंटिलेशन आराम से यहाँ से मिल जाएगा। तो एक ही वेंटिलेशन यहाँ पे मतलब विंडो काफ़ी है। सो हम इसका डायमेंशन देख लेते हैं, यहाँ पे एक ही विंडो काफ़ी है। सो डायमेंशन देखेंगे, सो 11 फीट 7 इंच बाई 9 फीट है। सो व्यूअर्स, आप चलेंगे हम स्टेयर के ओर। स्टेयर हमने बिल्कुल फ्रंट में देख के रखा हूँ और स्टेयर का जो लेंथ है 2 फीट 3 इंच, जगह छोटा है, सो उसी हिसाब से ट्रेड मतलब चौड़ाई 9 इंच और हाइट मतलब राइजर 6 इंच। सो इसी तरह हमें यहाँ पे 2 फ्लाइट स्टेयर है। सो व्यूअर्स, आप चलेंगे हम इसका, इस घर बनाने के लिए हमें कितना खर्च
आएगा वो हम डिस्कशन करेंगे। टोटल 23x23 मल्टीप्लाइड बाई 1200 पर स्क्वायर फीट टोटल 635,000 का ज़रूरत होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।